सुल्तानपुर में एक बेचारा थाने पहुंचा और अपने ही भाई भाभी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने एक जमीन क्या बेची, पूरा परिवार उसका दुश्मन बन गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद वो बेचारा इस बात की तस्दीक कर रहा है। पूरा मामला सुल्तानपुर के बरोसा तहसील से जुड़ा है, जहां थाना गोसाईगंज में पहुंचकर मंगरू नाम के पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। पीड़ित की माने तो उसने राजेंद्र नाम के शख्स की पत्नी गीता के नाम एक जमीन का बैनामा किया। जमीन मंगरू के नाम पर ही है और उस पर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। उसने राजी खुशी जमीन को राजेंद्र की पत्नी के नाम किया है। पीड़ित का आरोप है कि ये जमीन बेचने के बाद से ही उसके भाई भाभी उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। ये लोग जमीन को हड़पना चाहते हैं, लिहाजा ना सिर्फ मगरू को बल्कि जिसने मगरू की जमीन खरीदी है उसे भी बुरी तरह परेशान कर रहे हैं। क्या करने आए थे थाने पे आज? तुमको मारा पीटा? कौन मारा पीटा? अरे राम, उसने बोले नहीं लिखोगे तो मैं तुमको बोली बहुत। कौन? हरिराम। हरिराम कौन है? हरिराम आपके? हमारी कुछ नहीं लगते हैं सर। कहाँ घर है हरिराम का? गांव में। कौन सा गांव? सिवारा। क्या भैया कहने मंदा लगी हुई जमीन तो को गोली मार के? के हरिराम है। कल कह रही थी कि उसका मानसिक संतुलन खराब है। नहीं, वो हमारी भाभी लगती हैं। झूठ बोल रही थी? वो झूठ बोल रहे हैं सर। तुम्हें किसी ने जबरदस्ती तो नहीं करा? नहीं, अपनी मर्जी से हो ना। हाँ, अपनी मर्जी से। मंगरू का आरोप है कि उसके भाई भाभी उसके दुश्मन बन गए हैं, जो लगातार सबको परेशान कर रहे हैं। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत गोसाईगंज थाने पर करते हुए आरोप लगाया कि उसके भाई ने इसी मामले की वजह से उसे एक कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा भी है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर मंगरू काफी ज्यादा डरे हुए हैं, उन्हें लगातार अपनी जान का खतरा सता रहा है। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ नफीस खान ने कवर की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।